आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। न्यूटन्स ने मोशन के मुतालिक तीन लॉज पेश किए जो हमें मोशन को समझने के लिए अहम हैं, मददगार हैं हमारे लिए। इन ये लॉज अप्लाई होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पर जो लो स्पीड पर है, यानी कि नॉट कंपेयरिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में एडवांस फिजिक्स इस्तेमाल होती है। क्लासिक फिजिक्स में हम स्लो ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं और उनमें हम लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होते हैं। तो बहरहाल हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में वो हमें मोशन की वजूहात बताते हुए न्यूटन्स हमें बताता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये लॉज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करता है। इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन में ही है तो तभी उसकी यूनिफॉर्म मोशन होगी और तभी उस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करेगी। अगर वो सर्कुलर मूव कर रहा है या कोई कर्व पाथ अप्लाई में जा रहा है तो इसका मतलब है उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से वो अपना रास्ता बेंड कर रहा है। तो ये बात याद रखनी है कि ये रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते हैं और इन अ स्ट्रेट लाइन डिफाइन करते हैं। अब न्यूटन हमें ये कहता है कि एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है ना उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसी मोशन यूनिफॉर्म मोशन होती है, यानी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। सीधा मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि अगर एक जिस्म रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई दूसरी फोर्स, कोई नेट फोर्स उस पर अमल नहीं करती जो उसका रास्ता बदल दे। इस नेट फोर्स, ये हम आम जिंदगी में भी देखते हैं कि फर्ज करें एक बुक एक टेबल पर पड़ी है तो वो एट द एंड टेबल पर ही पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अमल ना करे जो उसको अपने रास्ते से हटा दे। अगर ऐसी कोई फोर्स अमल नहीं करती तो ये एंड ऑफ द टाइम ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। इसी तरह ये तो रेस्ट की हालत में हो गया, अगर वो यानी कि बुक रेस्ट में पड़ी है तो वो रेस्ट में पड़ी रहेगी। इसी तरह अगर कोई मोशन कर रहा है, मिसाल के तौर पर एक इंटरस्टेलर बॉडी, एक सैटेलाइट जो स्पेस में मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो एक आगे की तरफ जा रहा है तो वो आगे की तरफ जाता ही रहेगा जब तक कि उसको कोई और फोर्स, कोई ग्रेविटी फोर्स या कोई किसी और किस्म की फोर्स उसे अपनी तरफ या उसका पाथ बेंड नहीं करती या उसको अपने रास्ते से नहीं हटाती या उसको रोकने की कोशिश नहीं करती। अगर ऐसा नहीं होता तो ये उसी डायरेक्शन में मोशन करता ही रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन की ये मिसाल हम ले सकते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ये ले सकते हैं कि अगर एक बॉल को हम मूव करवा रहे हैं आगे की तरफ तो हम देखते हैं कि ये कुछ टाइम के बाद जाके रुक जाती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो यही होता है। तो इसके रुकने की वजह क्या है, हालांकि इसको ये मोशन भी स्ट्रेट लाइन है तो इसकी वजह यह है कि फ्रिक्शन दो बॉडीज के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से ये बॉडी रुक जाती है, यानी नेट फोर्स अप्लाई हो रही है जो उसकी मोशन को रोक देती है। तो ये था न्यूटन्स का पहला कानून।